स्क्वाट्स यानी दंड बैठक पूरी बॉडी के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे आप कहीं भी कर सकते हैं, घर में, पार्क में या जिम में। इसके लिए किसी इक्विपमेंट की जरूरत भी नहीं। आपने देसी पहलवानों को देखा होगा, कुश्ती करने के लिए, अपने शरीर को ताकतवर बनाने के लिए वो डेली दंड बैठक करते हैं। या आपने रेसलर को भी देखा होगा, ये भी अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्क्वाट्स डेली करते हैं। मतलब दंड बैठक एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे पुराने ज़माने से ही हर पहलवान, हर युवा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करता आ रहा है। जिसे भी फौलादी शरीर या ताकतवर शरीर चाहिए होता है वो सब दंड बैठक डेली करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि अगर आप डेली 30 दंड बैठक ही लगा लें तो आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, आपकी बॉडी में क्या क्या बदलाव होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले स्क्वाट्स के बारे में एक ऐसी बात बता दूं जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। अगर आप अपने बाइसेप्स का साइज भी तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो बाइसेप्स वर्कआउट से पहले 30 से 40 स्क्वाट्स लगा लें, उसके बाद बाइसेप्स वर्कआउट करें। बाइसेप्स बहुत छोटा मसल होता है, इसलिए उसे बढ़ने में टाइम लगता है। स्क्वाट्स लगाने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है और बाइसेप्स बड़ा होने में टेस्टोस्टेरोन का रोल बहुत ज़्यादा होता है। और बाइसेप्स वर्कआउट से पहले टेस्टोस्टेरोन एकदम बढ़ जाएगा तो बाइसेप्स तेजी से गेन होगा। वैसे आप हर वर्कआउट से पहले 30 स्क्वाट्स कर सकते हैं, जिससे वर्कआउट करते समय आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रहेगा, आप हैवी वेट उठा पाओगे और जिस वजह से आपके बॉडी का साइज तेजी से बढ़ने लगेगा। और स्क्वाट्स लगाने के बाद कुछ समय तक बॉडी में ताकत ज़्यादा रहती है, जिस वजह से आप हैवी वेट उठा सकोगे। और आप बेंच प्रेस, बाइसेप्स कर्ल या किसी भी एक्सरसाइज में जितना वेट उठाते हो, 25 से 30 स्क्वाट्स लगाने के बाद आप उससे हैवी वेट उठा सकते हो। और हैवी वेट उठाओगे तो नेचुरली बॉडी का साइज तेजी से बढ़ेगा। दंड बैठक न सिर्फ पैरों की एक्सरसाइज होती है बल्कि पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। स्क्वाट्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो बॉडी की फालतू चर्बी निकाल कर आपका वजन तेजी से कम करती है और आपकी बॉडी को मस्कुलर बनाती है। और अगर आपका वजन कम है तो भी दंड बैठक डेली लगाने से आप अपना वजन तेजी से बढ़ा भी सकते हैं। स्क्वाट्स यानी दंड बैठक लगाने से आपका स्टेमिना भी तेजी से बढ़ने लगता है। इसे कोई भी कर सकता है, बच्चा हो, बड़ा हो, लड़का हो या लड़की हो। अगर आपसे दंड बैठक नहीं लगती तो आप शुरुआत में कम लगाएं, 5, 10, 15 जितनी लगा सकते हैं लगाएं और फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसे किस तरह लगाएं ताकि आपको दंड बैठक का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। इसे लगाने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं, अपने पैर शोल्डर विड्थ मतलब नॉर्मल विड्थ जितने ही रखें, अपने हाथ सामने भी रख सकते हैं या सिर के पीछे भी, चेस्ट बाहर की ओर निकली हो, फिर सामने देखते हुए नीचे बैठें। नीचे बैठते समय अपनी बैक बिल्कुल सीधी रखें, आपके घुटने पंजों से आगे ना आएं, फिर थाई जमीन के पैरेलल से थोड़ा नीचे आए तो वापस ऊपर उठें। ऊपर उठते समय ऐसे उठें जैसे आप जमीन को धक्का देकर उठ रहे हैं। इसमें नीचे बैठें तो सांस अंदर की ओर लें, ऊपर उठें तो सांस बाहर की ओर छोड़ें। इसी तरह इसके 3 सेट लगाएं और हर सेट में 10 से 25 सेट तक लगा सकते हैं। धीरे धीरे इसे आप बढ़ा भी सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आप डेली 30 दिनों तक रोज दंड बैठक करते हैं तो आपके शरीर में क्या होता है। रोज दंड बैठक करने से पेट की फालतू चर्बी कम होकर शरीर सुंदर और बलशाली दिखता है। दंड बैठक सिर्फ पैरों के लिए ही नहीं पूरे शरीर के लिए फायदेमंद होती है। इसे करने से पैर, हिप्स, कमर, हाथ की चर्बी भी कम होती है। 30 दिनों तक डेली इसे करने से टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है, जिससे मसल्स जल्दी रिपेयर होते हैं, मसल्स बड़े बनते हैं, आपका साइज गेन जल्दी होता है। इसे करने से थाई मजबूत और सुंदर बनती है, हिप शेप में आते हैं। रोज दंड बैठक करने से बीपी और शुगर भी कंट्रोल में रहता है, शरीर का मोटापा कम होता है जिस वजह से कोलेस्ट्रॉल ठीक रहता है, वो हार्ट भी हेल्दी रहता है और हार्ट अटैक का चांस भी बिल्कुल खत्म हो जाता है। इससे फेफड़े मजबूत होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा चलकर या भागकर सांस फूलने की बीमारी है तो इससे आपको सांस फूलने की बीमारी खत्म होकर आपका स्टेमिना बढ़ता है। इसे डेली करने से बैक स्ट्रोंग होती है। अगर आपको बैक पेन है, आप इसे डेली करते हो तो आपकी बैक पेन ठीक हो सकती है, जिस वजह से आप हैवी वेट भी उठा सकते हो। अगर आपको खाया पिया नहीं लगता, आपका पाचन तंत्र खराब है तो इसे करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है, क्योंकि जब आप नीचे इस पोजीशन में आते हो तो आपके पाचन क्रिया पर लोड पड़ता है, जिस वजह से आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक होता है, जिससे आपको खाया पिया लगता है। इससे मांसपेशियां, लिगामेंट, जॉइंट स्ट्रॉन्ग बनते हैं, जिससे आपको इंजरी नहीं होती। अगर आपका बॉडी पोस्चर खराब है तो इसे डेली करने से कुछ ही दिनों में आपका बॉडी पोस्चर भी ठीक हो सकता है। अगर डेली आपको बैठे बैठे काम करना होता है तो इससे बॉडी पोस्चर खराब हो जाता है और बैक पेन भी शुरू हो जाती है। ऐसे में आपको डेली दंड बैठक जरूर लगानी चाहिए। दंड बैठक लगाने से फिजिकली तो आप अच्छे दिखते ही हैं, साथ ही आप मेंटली भी स्ट्रांग बनते हैं। इससे डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि दंड बैठक लगाने के कितने फायदे हैं। तो अगर आप इसे नहीं करते तो आज से ही इसे करना
करना शुरू कर दें। आप इस सुबह या शाम को कभी भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो दंड बैठक यानी स्क्वैट्स पर, उसके फायदों पर। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जिसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।